परिवार में कोई भी व्यक्ति या पूरा परिवार कोविड के संक्रमण से पीड़ित हो जाता है और वह पूरा परिवार क्वारंटाइन हो जाता है, तो इन सभी को भोजन पानी की बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में दमोह का एक समाजसेवी न्यास सामने आया है। इस न्यास के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दमोह में कई वर्षों से संचालित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पीडी सेलार स्मृति न्यास के द्वारा कोविड के मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, पौष्टिक साफ स्वच्छ भोजन किसी होटल की तरह तैयार करके घर घर जाकर थालियां उपलब्ध न्यास कर रहा है। सेला न्यास के संचालक बताते हैं कि उनका परिवार भी कोरोना संक्रमण की बीमारी से पीड़ित हो गया था। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उनको भोजन की हो रही थी। इसी लिहाज से इस बार न्यास के द्वारा कोविड के पीड़ित मरीजों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संक्रमण के दौर में यह मानवता का काम न्यास लगातार करता रहेगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए सैलार स्मृति न्यास द्वारा दिनांक 10/5/2021 से होम डिलीवरी खाना सप्लाई किया गया था और आज दिनांक तक अभी कंटिन्यू चल रहा है। शुरुआत में 10 तारीख को 27 थालियां हमारे यहाँ से गई, धीरे धीरे 29 देखिए 2 थाली बढ़ी, अभी बीच में 2-3 थाली कुछ कम भी हो गई थी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा भाई साहब हम लोग स्वस्थ हो गए हैं, धन्यवाद आपका परिवार का न्यास का और दोनों के सब लोगों का जो ये काम कर रहे हैं उनको सबको धन्यवाद करते हुए उन लोगों ने ये भी कहा भाई साहब अब हम लोग स्वस्थ हो गए, खाना बनाने लगे हैं। 2-3 थाली कभी हुई और कंटिन्यू हमारे यहाँ से बाकायदा अभी तक दिनांक तक थालियाँ जा रही हैं और आज 32 थाली हमारे यहाँ से सुबह सुबह और 32 थाली शाम को जा रही है। किस तरह से लोग आपसे संपर्क करते हैं और क्या चार्ज? पहले दिन हमने मोबाइल के माध्यम से फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से दमोह की जनता को कोरोना पॉजिटिव मरीज परिवारों के लिए विनम्र निवेदन किया था कि आपको आप मोबाइल के माध्यम से हमें सूचित करें, अपना नाम पता मोबाइल नंबर हमें दें, आपका नाम नंबर गुप्त रखा जाएगा, हमारी सेवा हमारी न्यास की समिति के लोग आपके घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से आपके यहाँ खाना पहुँचाएँगे। विगत 32 वर्षों से शैलार स्मृति न्यास के माध्यम से हमारी ये न्यास ये काम करती आ रही है और अभी जो खाना होम डिलीवरी सप्लाई हमारे न्यास द्वारा चलाई जा रही है ये पूर्णतः निःशुल्क है और होम डिलीवरी है। फ़ोन के माध्यम से उनको आप कोरोना पॉजिटिव परिवारों द्वारा सूचित किया जाता है और उनके यहाँ हमारी समिति के लोग खाना लेकर सुबह 11 बजे 11:30 तक पहुँचते हैं और शाम को 7 बजे तक पहुँच जाते हैं। आपका पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव होने के बाद आपने कोरोना से जंग जीती है पूरी परिवार ने और उसके बाद आपने जो कोरोना की परेशानियां थी वो भी देखी है, उसको प्रेरित होकर आपका पूरा परिवार खाना स्वयं बनाता है और खुद देने के लिए जाता है, खुद पैकिंग करता है, तो कैसा अनुभव फील कर रहे हो, क्या अनुभव है आपका? हमारा 6 तारीख को 5वें माह में पूरा परिवार पॉजिटिव हो गया था और उसी दरमियान हमने देखा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज परिवारों में क्या क्या झेलना पड़ता है। खाने की व्यवस्था हालांकि जिला चिकित्सालय में बहुत अच्छी थी, शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन फिर भी परिवार को आने जाने ले जाने में जो तकलीफें होती हैं और वहाँ सबको परमिशन नहीं होती, हमारे परिवार के लोगों को परमिशन नहीं थी आने जाने की, और जब देखा कि परिवार के लोग खाने के लिए किस तरह परेशान हो रहे हैं तो उस स्थिति को देखते हुए हमारे परिवार ने सैलास दुनिया के सब लोगों ने निर्णय लिया कि होम डिलीवरी खाना सप्लाई करने की। कोशिश यही रहती है कि हमारा पूरा परिवार हम लोग खुद मिलकर ये काम करें, लेकिन हम लोग काम वाले लोग काम वाली भाई भी लगाए हुए हैं, फिर भी हम लोग पूरा परिवार में लगा रहता है। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं
स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं अब हमारे शहर में एक नया ऐप आया है जिसका नाम है केक कार्ट। जी हाँ, जिससे आप फल, सब्जी, किराना और भी अपनी जरूरत का सारा सामान घर बैठे उपलब्ध कर सकते। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं। जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने आदेश जारी करते हुए दमोह जिले में लॉकडाउन 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। डेट और टाइम सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना पेमेंट ऑप्शन चुनें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें और निश्चित।